इंग्लैंड इंग्लैंड पहला टेस्ट मुकाबला बेईमानी के तरीके से जीता। भारतीय खिलाड़ियों के साथ की बेईमानी, जहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाज और गेंदबाज से लेकर के फील्डर तक और अंपायर तक यहां पर बहुत ही बड़ी बेईमानी की, जहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बीसीसीआई और आईसीसी से कर दी बड़ी मांग और दिखा दिए ये 5 बड़े सबूत, जहां पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुई बड़ी बेईमानी, जहां पर बीसीसीआई और आईसीसी को भी करना पड़ा बड़ा फैसला। अब दोबारा खेला जाएगा भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला, लेकिन कब और कितनी तारीख को कौन से दिन खेला जाएगा पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाएंगे, और कहां कहां पर भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट आप लोगों को मुकाबला दिखाने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने खोलकर रख दिया चिट्ठा और लाइव आकर के बताया कि इंग्लैंड के कप्तान ने कहां कहां पर की बेईमानी, पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट का मुकाबला खेला गया, जहां पर यह मुकाबला 25 जनवरी को शुरू हुआ। धीरे धीरे मुकाबला ये जो है पूरी की पूरी भारतीय टीम की तरफ था, जहां पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, विकेट कीपर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने यहां पर शतकीय के किनारे पारी खेली थी, जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरीके से जीत चुकी थी। लेकिन आखिरकार चौथे पांचवें दिन ऐसा क्या हुआ जहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ गया। जीता जिताया मैच भारतीय टीम की झोली में आ चुका था, लेकिन एक ही पलक झपकते ही एक ही दिन में यह मुकाबला पूरा का पूरा जो है जो इंग्लैंड के पक्ष में जाकर के गिरा। यहां पर इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने, यहां तक अंपायर ने की बेईमानी, जहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी ने खुद लाइव आकर के बयान दिए हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने एक एक सबूत दिखाया है जहां पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ काफी बड़ी बेईमानी हुई है। बिल्कुल वर्ल्ड कप की तरह यहां पर बेईमानी की गई है, जहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके वर्ल्ड कप जीता, अब यहां पर जो है इंग्लैंड के गेंदबाज से लेकर जो है बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा बेईमानी की, जहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी, जहां पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक गेंदबाज रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अश्विन ने पहले दिन 246 तक जो है पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था। दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल, विकेट कीपर केएल राहुल और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी की थी। लेकिन आखिरकार जो है चौथे दिन ऐसा क्या हुआ जहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ गया। चौथे दिन बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से शुरुआत की और यशस्वी जायसवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब कहर बरसाया, जहां पर इन बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन रोहित शर्मा कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और यहां पर पवेलियन का रास्ता देख गए। यहां पर रोहित शर्मा आउट हुए तो यहां पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल आ गए। यहां पर शुभमन गिल काफी घातक विस्फोटक एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से किसी भी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी अब कोई काम नहीं आ रही है, जहां विराट कोहली से शुभमन गिल की अपेक्षा होने लगी थी, लेकिन वहीं पर अब विराट कोहली क्या शुभमन गिल कुछ भी नहीं है। आप सभी को बता दें कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप के बाद से हर एक मुकाबले में फ्लॉप पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। पहले टेस्ट के मुकाबले के दूसरे दिन शुभमन गिल ने मैच 22 रन बना पाए थे, लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर कूद तो पड़े, लेकिन वो कोई खास देर तक परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर पाए और यहां पर रोहित शर्मा से फिर एक बार पीछे रहकर यहां पर बल्लेबाजी की और कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया, ना ही घातक बल्लेबाजी की। अगर यहां पर शुभमन गिल ने दूसरे भी टेस्ट मुकाबले में खराब बल्लेबाजी की तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है टीम इंडिया से, और नहीं तो यहां पर आप सभी को बता दूं कि दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए हैं, हो सकता है कि पांचवें छठे नंबर पर इनको किया जाए। आप सभी को बता दें कि शुभमन गिल जो है मैच 21 रन बनाकर के फिर पवेलियन का रास्ता देख गए और यहां पर यशस्वी जायसवाल अभी मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर डटकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज ने जो है शुभमन गिल को रन आउट कर दिया, लेकिन बल्कि शुभमन गिल रन आउट नहीं थे जब डीआरएस लिया गया, लेकिन उसके बाद भी वहां पर आउट बताया गया, लेकिन यहां पर काफी बड़ी बेईमानी हुई है क्योंकि वो बल्ला हवा में बताया जा रहा था, लेकिन वहां पर शुभमन गिल आउट नहीं थे। शुभमन गिल जब आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, तो यहां पर जो है श्रेयस अय्यर मैदान पर आ गए यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए, जहां पर श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करना शुरू किया, जहां पर यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ दिया। लेकिन मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल से इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन वो ईमानदारी से नहीं बल्कि बेईमानी से यशस्वी जायसवाल को भी आउट कर दिया। आप सभी को बता दूं कि कैच करते समय वो बॉल जमीन को छू गई थी, उसकी वजह से यशस्वी जायसवाल वहां पर आउट बताए गए। आप सभी को बता दूं कि यशस्वी जायसवाल भी जब आउट हुए तो मैदान पर श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए विकेट कीपर केएल राहुल आ गए। विकेट कीपर केएल राहुल काफी
पुकार विस्फोटक बल्लेबाज है। उन्होंने आप सभी को बता दें कि तीसरे दिन घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से लगभग 86 रन ठोक डाले थे, जहां पर लगभग चौथे दिन भी मैदान पर बल्ला नहीं रुका और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। विकेट कीपर केएल राहुल और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश अय्यर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धो रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब ये मुकाबला हमारी ओर से निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर विकेट कीपर राहुल काफी ज्यादा घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आप सभी को बता दें कि केएल राहुल की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी को खुद यहां पर सुनील शेट्टी यानी कि उनके ससुर जी देख रहे थे और वो काफी ज्यादा खुश थे और तालियां बजा रहे थे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम इस कदर हारी है, कोई खास ज्यादा रन से नहीं हारी है। आप सभी को बताएंगे कि आपको बता दें कि यहां पर विकेट कीपर केएल राहुल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर 41वें ओवर में काफी बड़ा झटका लग गया जब सुरेश अय्यर 21 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। सुरेश अय्यर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और शतक भी नहीं पूरा कर पाए, जहां पर सुरेश अय्यर भी आउट हो गए, जहां पर विकेट कीपर केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज आ गए। रविंद्र जडेजा और विकेट कीपर केएल राहुल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करना शुरू किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धोया। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज फिर एक बार परेशान थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन विकेट कीपर केएल राहुल भी 61 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। जहां विकेट कीपर केएल राहुल आउट हुए, वहां रविंद्र जडेजा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से और डटकर मैदान पर बल्लेबाजी करने लगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा को किसी भी हाल में पहला टेस्ट का मुकाबला जीतना था, जहां पर भारतीय टीम ज्यादा दूर नहीं थी जीत से, लेकिन फिर भी यहां पर जो है घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे विकेट कीपर केएल राहुल आउट हुए। यहां पर रविंद्र जडेजा और अश्विन ने मैच को पारी को संभाला और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए, जब यहां पर विकेट कीपर केएल राहुल आउट हो गए, तो भारतीय टीम की उम्मीदें सब चली गई, क्योंकि यहां पर रविंद्र जडेजा तो घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अश्विन ने 8 रन बनाए और ये भी आउट हो गए। अश्विन भी कैच आउट का सामना कर बैठे, जहां पर आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए अक्षर पटेल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आ गए। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल गेंदबाजी से लेकर के काफी ज्यादा फास्ट बल्लेबाज भी है। अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया और रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ दिया। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब रविंद्र जडेजा जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज अर्धशतक यानी कि 55 रन ठोककर आउट हो गए। बल्कि रविंद्र जडेजा काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। रविंद्र जडेजा जैसे ही आउट हुए, अब मुकाबला पूरी तरीके से जो है इंग्लैंड के पक्ष में चला गया था, लेकिन अभी भी चांस था, क्योंकि यहां पर अक्षर पटेल का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज बुमराह आ गए थे, लेकिन बुमराह बल्लेबाजी बेहतरीन नहीं कर पाते हैं, लेकिन गेंदबाजी में माहिर है। बुमराह ने काफी ज्यादा विकेट चटकाया और नंबर 1 गेंदबाज है देश के। आप सभी को बता दें कि यहां पर बुमराह यहां पर साथ देने के लिए अक्षर पटेल का है। अक्षर पटेल और बुमराह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए, लेकिन बुमराह सिर्फ 13 रन बनाकर के आउट हुए, जहां पर अक्षर पटेल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर विकेट कीपर उनका साथ देने के लिए जब आए तो यहां पर अक्षर पटेल भी आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम पूरी की पूरी ऑल आउट हो गई और यहां पर महज आप सभी को बता दें कि 28 रनों से भारतीय टीम हारी है। कोई ज्यादा रनों से नहीं हारी है, लेकिन भारतीय टीम के साथ काफी बड़ी बताया जा रहा है बेईमानी हुई, लेकिन फिलहाल यहां पर जो है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सच यही है कि मुकाबला जीत लिया है, कोई बेईमानी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भी न्यूज मिल रही है तो भयभीत ना हो। आप सभी को बता दें कि यहां पर जो मुकाबला है जो है इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया है। फिलहाल भारतीय बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की, हम उनका सम्मान करते हैं और आप सभी लोग इस तरह से दुआएं कामनाएं बनाए रखें कि भारतीय टीम हमारे दूसरा टेस्ट मुकाबला जरूर जीते। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर जरूर दें।